आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस करेंगे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप भी विक्स वेबसाइट से अपनी जो है साइट अपने अगर बनाई है, और अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर से जो है आप जो है जुड़ सकें, तो उसके लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर एक जो ऑप्शन आता है मार्केटिंग एंड SEO का, यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू किस तरह से लोगों से जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप जो है ईमेल मार्केटिंग यहाँ पर, या बोल सकते हैं कि आप जो है ईमेल कंपेन बोल सकते हैं उसको, आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मार्केटिंग एंड SEO। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगा किस तरह से आपको पोस्ट बनानी चाहिए, किस तरह से आपको चीज़ देनी चाहिए, एंड देन किस तरह से आप जो है उसको डिलीवर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेल तक भेज सकते हैं। तो हमने पहले मार्केटिंग एंड SEO पर कर लिया है, तो ये हमारा पेज हो चुका है, देख पाएंगे मार्केटिंग होम, ठीक है, मार्केटिंग होम में आ चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, आप यहाँ से ईमेल मार्केटिंग में क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप इस पेज में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग, और यहाँ पर ऊपर भी आपको जो है यहाँ पर देखिए क्रिएट ईमेल कंपेन दिया हुआ है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद सीधे ईमेल मार्केटिंग का जो यहाँ पर पेज बनाया हुआ है, जो विक्स वेबसाइट का खुद का एक कस्टम पेज है कि आप किस तरह से अपनी किसी पोस्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर पहले से आपको काफ़ी सारे टैम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनका कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे ये जो टैम्पलेट्स हैं, यूज़ टैम्पलेट करेंगे तो आप सीधे इसका यूज़ कर पाएंगे, प्रीव्यू में करेंगे तो आपको किस तरह से टैम्पलेट दिखता है आप वहाँ पर जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि अलग अलग टाइप के टैम्पलेट्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे किस लिए है, मोटिवेट विथ ए वीडियो, शेयर लाइफ स्टाइल टिप्स, शेयर ए ब्लॉग पोस्ट, टेल पीपल व्हाट इज कमिंग, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने कुछ ईमेल मार्केटिंग पहले किया था, तो आपको यहाँ पर मेरा कुछ दिख रहा होगा 36 ओपन है, 3 क्लिक्स हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है अगर आपका कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो आप सीधे जो है यहाँ पर देखिए मोर टेम्पलेट्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर और भी टेम्पलेट्स आपको दिए रहते हैं, जो कि आप सारे के सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग जो है अलग अलग बिजनेस, अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर दे रहते हैं, ठीक है। आप पूरे देख पाएंगे, आप यहाँ पर आपको अलग टाइप के जो है दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर है अगर कोई फूड डिलीवरी वाला है तो कर सकता है, ठीक है, वो पोस्ट टाइटल आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर न्यूज़ लेटर्स जो आते हैं जनवरी का, ठीक है, हेल्दी लिविंग ब्लॉग मंथली, जुलाई, इस तरह से आप बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से कुछ करना है, बनाना है, तो यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, तो हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच शुरू करेंगे और हम इसको अपने अकॉर्डिंग पूरा डिज़ाइन कर देंगे और देखेंगे कि हम कितना कुछ यहाँ पर जो ऑप्शन पाते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है, ये हम आ चुके हैं हमारा ईमेल कैंपेन, जो कि हमारे विजिटर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, जो हमारे मेंबर्स हैं वेबसाइट के, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको किस तरह से दिखेगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग जो है हम इसको अलग अलग ढंग से इसमें जो है एडिंग करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, ऐड एक कैची हेडर, यहाँ पर जो भी इमेज आपका रहेगा वो है नीचे, आप कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं। देन ये जो बटन का सेक्शन है जिससे आप सीधे अपने विजिटर्स को जो सीधे आपको रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपने साइट पर, जो भी आपने कुछ जो भी प्रोडक्ट है या आपने कुछ अगर लिखा है, कुछ जैसे ब्लॉग लिखा है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज, बटन, डिवाइडर, सोशल पोस्ट के लिए कॉलम्स, ठीक है, लोगो लगा सकते हैं, वीडियो, देन काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, थीम्स बहुत सारी दी हैं, ठीक है। तो थीम में जाएंगे तो अलग अलग टाइप की थीम्स यहाँ पर दी हैं, ब्लैक जैसे आप बेसिक, ठीक है, मिनिमल थीम, क्लासिक, क्लासिक करेंगे तो कुछ इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, इस तरह से कलर हो जाएगा, तो हम चलिए क्लासिक में ही कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है तो। और यहाँ पर हम जो है ऐड में जाते हैं और हम जो चीज़ों को जो है अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना देखेंगे और फिर हमको जो है लोगों को भेजना भी देखेंगे किस तरह से हम लोगों को भेजेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है ऐड एक कैची हेडर, यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं और हमने एक ब्लॉग बनाया है, फ्री बुक्स 3 हमने जो पब्लिश की है उसके बारे में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुछ अपने अकॉर्डिंग, आप भी ऐड कर सकते हैं, मैं लिख करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है अपने अकॉर्डिंग टाइटल 0 rupees इनफ फॉर यू, आप कुछ ऐसा लिखे ताकि जो भी एक बार पढ़े तो थोड़ा सा आपका मेल खोलने की कोशिश करें, उसको कुछ एक्साइटमेंट है, जैसे हमने लिखा है 0 enough फॉर यू टू गेट बुक्स PDF, यानी कि 0 rupees आपके लिए इनफ है, कि हम तो फ्री में दे रहे हैं तो दैट इज मंथ 0 rupees, तो 0 enough फॉर यू टू गेट बुक्स PDF, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से जो है साइज आप देख पा रहे हैं, तो हम साइज भी इसका जो है चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग पूरा। तो जैसे मान लीजिए अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है तो आप साइज पे जाएंगे और यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम
इसको 36 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा साइज़ जो है इसका हल्का सा जो है छोटा हो जाएगा, देख लेते हैं करके किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर मैंने साइज़ को 42 कर दिया है। आप किसी भी एलिमेंट से संबंधित जो भी आपको अगर कुछ ऑप्शन चाहिए तो आप सिंपल उस, जैसे कि इस एलिमेंट पर हमने क्लिक किया तो इस एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे इसको अगर हमको थोड़ा सा बोल्ड करना है, ठीक है, या इटैलिक करना है, तो सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे। अंडरलाइन करना है, इस तरह से जो भी ऑप्शन है ये सारे से इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर जो हमने इसको कर दिया अंडरलाइन, तो अंडरलाइन हो गया। बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा। तो आप इसको अकॉर्डिंग अपना चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब जो है, अब हम जो धीरे ये देखिए जो इमेज है, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी भी बताना है क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो इमेज है उसको हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इमेज लगाएंगे, तो यहाँ पर चेंज इमेज का ऑप्शन आएगा। इमेज पर क्लिक करेंगे, चेंज इमेज का ऑप्शन आया, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। कलर चेंज करना है कुछ, इसमें लिखना है वगैरह कुछ भी करना है, तो हमको तो इमेज वाइज चेंज करना है, हमको अपने अकॉर्डिंग इमेज लगाना है, तो हम चेंज इमेज पर करेंगे क्लिक, देखते हैं। तो यहाँ पर हमको ये वाला इमेज चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आप ये इमेज सीधे जो है आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इमेज आ चुका है, ये देखिए फ्री फ्री अभी डाउनलोड करें सिर्फ 0 रुपये में। 3 बुक्स हमने अभी पब्लिश की, तो हम उसके बारे में जो है थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पर टाइटल हो गया बढ़िया अच्छा सा, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट ये ब्लैक साथ मैच कर रहा है। ठीक है, एनी वेदर यहाँ पर जो है आप बटन जो है आप इसको जो है लिंक, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो बटन पर क्लिक करने के बाद इसके बटन के सारे ऑप्शन जो यहाँ पर आ गए। देखिए बटन बटन को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा गेट बुक, ठीक है, PDF। तो ये लिख गया, आप देख पा रहे पूरा चेंज हो गया है। कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं, और वेब एड्रेस जो है तो या डॉक्यूमेंट का एड्रेस, तो वेब एड्रेस जो है तो यहाँ पर आप जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसको हम चलिए कर लेते हैं पूरा, फिर बताता हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और है, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है तो इस टेक्स्ट में जब आप क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक किया तो इसके बाद मैं इसको जो एडिट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी मुझे मान लो कि मुझे कुछ जो भी लिखना है मैं अपने अकॉर्डिंग लिख लूँगा, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ। मैं लिंक भी कैसे ऐड करने ने बता ही दिया, वो सब कुछ करके हम बस सीधे पहुँचेंगे कि आपको किस तरह से आप ईमेल कैंपेन को भेजना है अपने कस्टमर तक। यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं आप कि हमने तो इमेज बता दिया था, देन यहाँ पर हमने ये हमारा एक बुक का इसका लिंक यहाँ पर दे दिया बटन के रूप में, दूसरे बुक का लिंक यहाँ दे दिया, तीसरा का यहाँ दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बाकी ये सब आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये आपका जो पहले से जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगी सब, नो टेंशन। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए जो आपका एड्रेस क्या है ये सब आप भी इसको जाके चाहें तो भी आप एडिट कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब कि चेक यो माई वेबसाइट ये सब हो जाएगा। ठीक है, एनी वेज आप करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने इसको डिसेबल फील्ड कर दिया, इनेबल करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपना एड्रेस नहीं शेयर करना चाहता तो मैं इसको डिसेबल कर दूँगा, तो हट गया। ठीक है, देन ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमने जो इसको और थोड़ा कस्टमाइज करके सेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, अपने जैसे हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रीव्यू एंड टेस्ट का ऑप्शन आता है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक ईमेल में आप अपने आप से ही सेंड कर सकते हैं खुद से टेस्ट करने के लिए, और देख सकते हैं किस तरह से आपका पोस्ट वर्क कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि आगे हमको सीधे जो है यहाँ पर हमको आएगा ऑप्शन कि हम अपने कस्टमर को सीधे यहाँ पर भेज पाएंगे सारे ईमेल्स। तो यहाँ पर एक आ रहा है न्यू रीच योर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स करके आ रहा है, तो गॉट इट कर लेते हैं एनीवेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे जो मैंने बताया था कि आपको किस तरह से जो है आप थाउजेंड्स भी या हंड्रेड्स कितने भी आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर लगभग जो है 1000+ कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं अभी सबको जो है भेजूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सबको जो सिलेक्ट करूँगा, देन मैं सबको भेजूंगा मेल। जो पहले हमने एक्टिव कॉन्टैक्ट जिसमें सो जैसे यहाँ पर आ रहा है ओनली शो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स, मतलब ये कि जो मेल्स या जो कॉन्टैक्ट अभी इस समय हो सकते हैं कई मेल बंद हो गई हो या कोई कॉन्टैक्ट जो ख़त्म हो चुके हों या जिनके पास रीच ना पहुँच रही हो, तो उन लोगों का नाम अपने आप यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट का, यहाँ पर जो है जहाँ से मैं क्लिक करके कॉन्टैक्ट को कर सकता हूँ। बाकी एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है जो कि मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहाँ से सीधे इसे लेबल करके जो ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं, मतलब ये अपने आप से ग्रुप बना दिए गए हैं जिस तरह से मैंने कॉन्टैक्ट को ऐड किए हैं एक एक करके, तो ग्रुप बना दिया है विक्स ने खुद से। ठीक है, जैसे कि सब्सक्राइब 101 का ग्रुप है, ठीक है, ऑल 101 के हैं, ठीक है, 3 वीक्स कॉन्टेंट यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये है, ये मतलब मैंने ऐड किए थे बहुत सारे करके, तो ये मैं सबको जो है मेंबर मैं सबको टिक कर दूंगा।
ताकि कोई भी मेरा जो है जो भी कस्टमर है वो कोई भी बंदा छूटे ना। जीमेल को नहीं करूँगा क्योंकि जीमेल को मैंने ऐड कर दिया है, और जीमेल को भी कर लेता हूँ, मान लो कुछ लोग छूट गया हूँ, कॉन्टैक्ट्स हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर डेमो सभी को कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप जो है एक साथ में लिमिट रहती है जो आपका यहाँ है, तो लिमिट रहती है इसी कि आप कितने लोगों को भेज सकते हैं, तो आप एक एक करके सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप सीधे यहाँ से जो ऑल का कर सकते थे तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, एंड देन ऑल को भी मैं कर लेता हूँ, डबल बार चली जाएगी मेल, कोई दिक्कत नहीं, लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा, मतलब मैंने कॉन्टैक्ट किसको भेजना है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, ठीक है, मेक श्योर योर ईमेल्स रीच योर ऑडियंस, चेक आउट आवर बेस्ट प्रैक्टिस आर्टिकल टू लर्न मोर, ये सभी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस भी आप देख सकते हैं जो आर्टिकल विक्स देता है आपको। देन यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास लिमिट रहती है कि 5000 जो है मेल्स आप एक बार में भेज सकते हैं, बाकी यहाँ पर आ रहा है देखिए कुछ से आ रहा है। अब जब मैं अपग्रेड कर दूंगा तो जो ये है जो है जो है एसेंट वो अपडेट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, एंड देन मैं और भी लोगों को जो है मेल भेज पाऊँगा। तो यहाँ पर ये हो चुका है, देन यहाँ पर देखिए इस तरह सब्जेक्ट आएगा, 0 इनफ फॉर यू टू गेट बुक्स PDF नेम ब्रांडेड वे, मेरा जो मेरा इसका बिजनेस नेम है। देन रिप्लाई टू मेल, ये मेरा यहाँ पर जो वो लोग रिप्लाई कर सकते हैं जो भी इनको कोई डाउट्स या दिक्कत होगी, और इस तरह से कुछ जो है इनको यहाँ पर जो दिखने वाला, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पब्लिश एंड सेंड का ऑप्शन आ रहा है, एंड फाइनल सेंड डिटेल्स एंड चूज वेन टू पब्लिश योर कैंपेन, तो मैं सीधे सेंड नाउ करूँगा। शेड्यूल भी आप कर सकते हैं, आप अभी करना चाहते हैं 2-3 घंटे बाद, तो मैं यहाँ पर सीधे सेंड पर क्लिक करूँगा सेंड नाउ। तो सेंड नाउ पर क्लिक करते ही मेरा जो है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा एड कैंपेन था, देखिए ये आप देख पाएंगे, वी हैव एडेड योर कैंपेन टू दिस सेंड क्यू, इट विल बी ऑन इट्स वे सून। तो यहाँ पर कई हो सकता है कई लोग अपना जो है मेल भेजते हो तो मतलब एड कैंपेन करते हो, तो हमारा भी एड कैंपेन रेडी हो चुका है, लग चुका है, और जल्दी ही ये लोगों तक पहुँचने लगेगा। इसका जो है मैं पूरा जो है अपना कैंपेन का क्या मेरा प्रोग्रेस चल रहा है वो सब कुछ मैं देख सकता हूँ। विक्स का एक ऐप रहता है जो मेरे पास है, मैं वहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, बाकी आप साइट पर भी चेक कर सकते हैं। और अगर जो है आप चाहते हैं कि भाई मैं और भी अपने ऑडियंस को भेजूं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप।